नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित त्रिपाठी की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर 2021। ये आप इसका मिड वेरिएंट देख रहे हो, तीन वेरिएंट और भी आते हैं, मिड, हाई, प्रीमियम, तीन वेरिएंट आते हैं और तीनों वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। प्रीमियम वेरिएंट में आपको डुअल टोन कलर के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये आप इसका ब्राउन कलर देखने को ब्राउन कलर देख रहे हो। बाकी फ्रंट की अगर मैं लुक की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको लाइट्स दी गई हैं वो आपको प्रोजेक्टर लाइट्स दी गई हैं, हाई बीम और लो बीम के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। LED DRLs भी आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। कोई भी फॉग लैम्प को आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप चाहो तो आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो, आपको प्लेसमेंट ज़रूर देखने को मिलती है। ओवरऑल लुक की बात की जाए, लेकिन उससे पहले मैं फ्रंट की प्रोफाइल अगर चेक करा दूं तो यहाँ पे जो आपको ग्रिल दी गई है टोयोटा की, यहाँ पे आपको ब्रॉड सा लोबो देखने को मिलता है क्रोम में और टोयोटा का आपको यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल देखने को मिल जाती है। लोअर ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रगेड फिनिश में दी गई है अर्बन क्रूज़र की, और यहाँ पे कोई भी आपको स्किड प्लेट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको दो वॉशर मिल जाते हैं, दो वाइपर आपको देखने को मिलते हैं। रूफ़ में आपको एक एंटीना देखने को मिलता है और वहीं पे आपको रूफ रिल्स ऑफर की गई हैं इस वेरिएंट में। बाकी यहाँ पे कुछ जो एसेसरीज़ हैं क्रोम की पूरी किट, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है आफ्टर मार्केट, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको रबर मैटिंग दी गई है जो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है, मड गार्ड आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है, डोर साइड विजर, साइड मोल्डिंग क्रोम, फ्रंट ग्रिल एसेंट, टेल लैंप्स ब्लैक और साइड क्लैडिंग बैक, मिड गार्निश, फॉग लैम्प गार्निश और लाइसेंस फ्रेम, 3D बूट मैट आपको ऑफर की गई है। ओवरऑल जो किट लगी है इसमें वो आपकी 24,592 की आपको इसमें पूरी किट आफ्टर मार्केट जो लगी है वो आप देख सकते हो। बाकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 8.7 लाख से स्टार्ट होती है, टॉप मॉडल की कीमत जाती है 11.5 लाख। तो अगर आपको फर्दर कोई क्वारी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बात करें इसके टायर्स के रेशियो के बारे में, तो यहां पे जो आपको टायर दिए गए हैं 205/60 R16 के आपको स्टील रिम ऑफर किए गए हैं, यहां पे आप चेक कर सकते हो। बाकी साइड बॉडी क्लाइडिंग आपको गाड़ी के चारों तरफ देखने को मिलती है। ORVM जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो आपको बॉडी कलर में दिए गए हैं, आप चेक कर लो। टर्न इंडिकेटर LED में आपको ऑफर किया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे डोर के दोनों तरफ देखने को मिलता है, ये आप ऐसे प्रेस करके, और यहाँ पे आपको जो मिलता है वो आपको को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग आपको ऑफर किया गया है। सी पिलर पे आपको एक छोटा सा पैनल ग्लास का आपको देखने को मिलता है, तो ताकि जिसको भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती तो वो इस गाड़ी में आपको नहीं होने वाली है। टेल लैंप्स की बात करी जाए तो ये आपकी ब्रेजर से ही कहीं ना कहीं LED टेल लैंप्स आपको ऑफर किए गए। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजन में देखने को मिलते हैं। अर्बन क्रूजर की ब्रॉड सी बैजिंग आपको देखने को मिलती है, टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है, डिफॉगर जैसे फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन कोई भी रेयर वाइपर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हाई स्टॉक माउंट लैंप आपको LED में देखने को मिलता है। बाकी दो रिफ्लेक्टर आपको ऑफर किए गए हैं पीछे बम्पर में, और चार रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको ऑफर किए गए हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ फीचर्स आपको मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी का बोनट ओपन करके मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूं। 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है, के सीरीज़ का इंजन आपको इसमें ऑफर किया गया है। तो यहाँ से कुछ इसका जो बोनट है वो एक्सेस हो जाता है, तो ये आप चेक कर सकते हो। आप इसका जो इंजन आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर आपको K15B इंजन टाइप आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है मैक्स पावर 103 BHP एट 6000 RPM पर, और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 138 Nm का एट 4400 RPM पर। तो ये आप चेक कर लो, डिसेंट सा आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि ब्रेजा में भी आपको सेम इंजन देखने को मिल जाता है। अर्बन क्रूजर आपकी कॉम्पिटिट करती है क्रेटा, सेल्टोस और किक्स जैसी गाड़ियों से। आइए अब इसका बूट ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि बूट स्पेस आपको कितना ऑफर किया गया, लेकिन उससे पहले कुछ फीचर्स जो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ग्लोबल एनकैप रेटिंग जो है 4 स्टार आपको इसमें देखने को मिलती है, ओवर स्पीड वार्निंग आपको देखने को मिलती है, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग आपको इसमें ऑफर किया गया है, और 2 एयरबैग आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए आप इसका बूट ओपन करते हैं और बूट आपको बूट स्पेस चेक कराते हैं, बूट स्पेस आपको इसमें कितना ऑफर किया जाने वाला है। तो यहाँ से जो है वो इसका बूट एक्सेस हो जाता है। बूट स्पेस में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया, तो आप चेक कर लो, यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलता है।
328 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल से आपको स्टील रिम इसमें भी ऑफर किया गया है, कोई भी आपको छोटा रेशियो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस एक चीज़ जो खास है, इस गाड़ी में आपको पार्शियल ट्री ऑफर नहीं की गई है। 50-50 के रेशियो में आप इसकी जो बैक की सीट है वो स्प्लिट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप चेक कर लो कुछ इस तरीके से जो इसकी सीट्स हैं स्प्लिट हो जाती हैं। तो आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं कि गाड़ी के अंदर से क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो इंस्टॉल किए गए। यहाँ पे आपको जो है वो आपको बैक की लाइट्स ऑफर की गई हैं जो नंबर प्लेट पे फोकस मारती वाइट में। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी हमें दी ऑल न्यू अर्बन क्रूज़र मिड वेरिएंट के अंदर तो आपको इस टाइप की कुछ कीज़ ऑफ़र की गई हैं, आप चेक कर लो। यहाँ पे जो है ना वो आपको मारुति का की ऑफ़र किया गया है। और मारुति का क्या, मारुति के सिंबल जैसा की ऑफ़र किया गया है। लॉक अनलॉक के ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मारुति का लोबो ना होके यहाँ पे टोयोटा का लोबो आपको ऑफर किया गया है। तो कर लेते हैं इग्निशन को ऑन। इग्निशन को ऑन कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RPM मीटर ऑफ़र किया गया है और यहाँ पे आपको ऑडोमीटर ऑफ़र किया गया है। कुछ बीच में आपको जो यहाँ पे हैं वो डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑडोमीटर आपको देखने को मिलता है, एवरेज देखने को मिलता है, रेंज देखने को मिलती है। और आप चेक कर लो बाकी यहाँ से अगर देखी जाए तो यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। तो सेम एज इट इज़ आपको देखने को मिलता है, कोई भी नया वेरियंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ये है आपका 3 spokes टोयोटा का। आपको यहाँ पे स्टेयरिंग देखने को मिलता है, SRS की बैचिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट्स के कंट्रोल ऑफर किए गए हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ ये मिड वेरिएंट आप इसका देख रहे हो। और अगर बात करी जाए तो इसके यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर के बारे में तो यहाँ पे आपको एक AC इवेंट देखने को मिलता है नॉर्मल सा रैगेड फिनिश में। और यहाँ पे आपको जो है वो फोल्डेबल आपको ORVM दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल भी आपको देखने को मिलते हैं ORVMs, आप चेक कर लो यहाँ पे। और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में, आप चेक कर लो। बाकी यहाँ पे जो है ना ये आपका हेडलैम्प के लेवलर आपको ऑफर किए गए हैं। कुछ यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस ऑफर की गई है। रगेड फिनिश में डोर ओपनर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑल पावर विंडो आपको ऑफर की गई है। ब्राउन कलर है ये, ब्राउनिश कलर की गाड़ी है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं ब्राउन कलर आपका फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है गाड़ी की प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपको रगेड फिनिश ज़रूर देखने को मिलती है, कोई भी सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलती है। ऑल पावर विंडो देखने को मिलती है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन आपको देखने को मिलती है और ऑटो अप भी देखने को मिलती है। लाइक यहाँ पे आपका अगर हाथ फंसता है तो ऑटो डाउन हो जाती है ये जो आपकी विंडशील्ड है वो। बाकी जो फोल्डेबल आपको यहाँ पे ORVM देखने को मिलते हैं वो बता दिए। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप चेक कर लो ये। और ये आप सेंट्रल लॉकिंग के ऑप्शन और विंडो लॉक के ऑप्शन। 1 liter बॉटल स्पेस, कुछ यूटिलिटी स्पेस, कुछ कन्वीनियंस, कुछ फैसिलिटीज़ आपको ऑफ़र की गई हैं। और यहाँ पे आपको एक डेड पेडल ऑफ़र किया गया है और 3 आपको यहाँ पे पेडल्स ऑफ़र किए गए हैं क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है इसलिए। बाकी अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल में। तो सेंटर कंसोल एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देख चेक कर लो। ये जो आपको सेंटर कंसोल दिया गया है ये आपको कहीं ना कहीं ब्रेजा से ही कॉम्पिटिट करती है अर्बन क्रूज़र, तो वही आपको देखने को मिलता है। 2 AC वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये आपको हैजार्ड लैम्प का लेवलर, और हैजार्ड लैम्प का लेवलर नहीं, हैजार्ड लैम्प का आपको बटन देखने को मिलता है। सिल्वर इंसर्ट आपको देखने को ज़रूर मिलता है, आपको सेंटर कंसोल के चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। और ये ना आपकी चेकर्ड फ्लैग की कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है हार्ड प्लास्टिक में। बाकी ये 2DIN का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर किया गया है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, जो मारुति सुजुकी का सबसे फेमस इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो स्विफ्ट में भी आया करता था और अब आपको अर्बन क्रूज़र में भी देखने को मिल जाता है। FM AM DSP और AST USB मोड और कुछ आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो इस वेरिएंट को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बना देता है वो क्या है वो हम जानते हैं अभी आगे। यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑफ़र किया गया है, आप चेक कर लो। ये ना फंक्शन आपको इस गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी बना देता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स और अपने विचार जो हैं वो कमेंट्स के थ्रू आप हम तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट आपको ऑफ़र किया गया है और ऑक्स के पोर्ट आपको ऑफ़र किए गए हैं। 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे सॉकेट ऑफ़र किया गया है। कुछ यूटिलिटी स्पेस ऑफ़र की गई है, लाइक आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हो, आप अपना पावर बैंक भी कैरी कर सकते हो।
और अगर ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप अपना पर्स भी कैरी कर सकते हो। ये आपको जो है ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है और विद रिवर्स, तो आप चेक कर लो। रिवर्स का गियर जब आप डालते हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन देखने को मिलता है, गाड़ी भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। तो ये कुछ फंक्शन। बाकी यहाँ पे एक आपको हैंड ब्रेक ऑफर किया गया है, दो प्यारे से कप होल्डर, कुछ कॉइन्स की जगह, और यहाँ पे 1 liter बॉटल स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। आइए अब बात करते हैं को ड्राइवर साइड डोर के बारे में। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे आपको एक जो है वो आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक जो है वो आपको ह्यूज सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। ये आपको एल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया गया है, आप चेक कर पा रहे होगे। यहाँ पे आपको येलो लाइट आपको देखने को मिल जाती है, बाकी एज इट इज़ आपको कोई भी यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता है, जो चिल्ड आपको ग्लव बॉक्स आपको ऑफर नहीं किया गया है। एक चीज़ जो बहुत प्यारी लगी मुझे इस गाड़ी की, जैसे ये ब्राउन कलर है तो आपको देखो यहाँ पे ना ब्राउन कलर ही आपको सीट आपको देखने को मिलती है, सीट अपॉल्स्ट्री, और आपको ब्लैक में भी सीट अपॉल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाती है। कैप्टन सीट्स ऑफर की गई हैं। सीट कुशनिंग की बात की जाए तो सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी आपको इस वेरियंट में देखने को मिलती है। तो ये रही टोयोटा अर्बन क्रूज़र की फ्रंट प्रोफाइल। आइए आप चलते हैं सेकेंड रो में और आपको बताते हैं कि सेकेंड रो से क्या क्या ऑफ़र किया गया है इस गाड़ी में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ORVM जो है वो आपको डे नाइट IRVM आपको देखने को नहीं मिलता है, आप चेक कर लो। यहाँ पे आपको जो सनशेड्स दिए गए हैं वो टिकट होल्डर आपको इसमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर, आप चेक कर लो। ये आपको वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलता है, कुछ एयरबैग की, ये एयरबैग की आपको वार्निंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये रही टोयोटा अर्बन क्रूज़र की फ्रंट प्रोफाइल। आइए अब इसके सेकंड रो में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी सीट जो है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें आपको 4 speaker 2 tweeter आपको ऑफर किए गए हैं, तो अगर टूर इन की आपको म्यूज़िक क्वालिटी सुननी हो, साउंड क्वालिटी सुननी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कहीं यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये अब आप चेक कर लो, यहाँ पे जो है ना ये आपको 3 kg का आपको ट्विंग हुक आपको देखने को मिलता है, आप चेक कर लो। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको ट्विंग हुक आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसमें टो कर सकते हो अपना 3 kg तक आप सब्जी जैसे वो आप अपना टो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन के फीचर, और यहाँ पे रगेड फिनिश में डोर ओपनर आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ब्राउन की गार्निश आपको देखने को मिलती है, फैब्रिक फिनिशिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये रहे, बाकी फोल्डेबल आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको एक कोट ट्विंग हुक आपको देखने को मिलता है। सीट की जो बात की जाए, कैबिन लाइट आपको इसमें हैलोजन में ऑफ़र की गई है, वो भी आप चेक कर लो। 1 liter बॉटल स्पेस, यहाँ पे कोई भी AC इवेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। मारुति की गाड़ियों में आपको जैसा बीच में हम्प देखने को मिलता है, वैसा इस गाड़ी में अभी आपको हम्प देखने को मिल जाता है। और अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम मुझे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, चेक कर लो आप। और यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। रेयर में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफ़र किए गए हैं, और फ्रंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफ़र किए गए हैं, और कोई भी आर्मरेस्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, ना ही पार्शल ट्रे आपको बूट में देखने को मिलती है। सेकेंड रो से आप एक बार डैशबोर्ड का नज़ारा अपनी स्क्रीन पर ले सकते हो। तो ये रही अर्बन क्रूज़र की अंदर से सारी डिटेलिंग, सारे फीचर्स, सारे स्पेसिफिकेशन मैंने एनालाइज़ किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, और अगर आपको अर्बन क्रूज़र की TD बुक करनी है या किसी भी टोयोटा की किसी भी गाड़ियों की TD बुक करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो वहां से आप अपनी TD बुक कर सकते हो, अगर आप लखनऊ में हो तो। अगर लखनऊ से बाहर हो तो आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहें।